नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट विद रंजीत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला, उसमें दोनों टीमों का फुल फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको पहले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया का भी पहला मुकाबला जो होगा वो भी भारत के खिलाफ होगा। यानी बात करें दोनों टीमों का, तो दोनों टीमों का पहला मैच खेला जाएगा 8 अक्टूबर को, यानी 8 अक्टूबर को चेप्पा के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा यह मुकाबला, जो शाम को 2 बजे से खेला जाएगा। फिर इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा 8 अक्टूबर के छप्पा क्रिकेट स्टेडियम में, इन दोनों टीमों का फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सभी प्लेयरों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको मैच खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान है रोहित शर्मा और कप्तान है हार्दिक पांड्या। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रहेंगे पैट कमिंस। इनकी बात करें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो विराट कोहली आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। चौथे नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नजर आएंगे चौथे नंबर पर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाए थे। वहीं पर ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर के फिट हो जाने से ईशान किशन वर्ल्ड कप 2023 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाहर हो सकते हैं। वहीं पे 5 नंबर की बात करें तो 5वें नंबर केएल राहुल हैं, जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं। यानी 5वें नंबर की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 की बात करें तो हार्दिक पांड्या आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या टीम के उपकप्तान भी हैं और बेहतरीन गेंदबाज के साथ साथ बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं। यानी स्टार ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में एंट्री की गई है और उपकप्तान भी हैं भारतीय टीम के हार्दिक पांड्या। 7 की बात करें तो नंबर 7 पे बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को रखा गया है। यानी रविंद्र जडेजा आपको भारतीय टीम के नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन आपको नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि चोट के कारण वो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेल पाएंगे, वो पूरे सीरीज से बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप के। उनके जगह पर रविचंद्रन अश्विन को भारतीय टीम में शामिल किया गया है और नंबर 8 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 9 की बात करें तो चाइना मैन कुलदीप यादव हैं, जो आपको नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 की बात करें तो मोहम्मद सिराज है, जो आपको नंबर 10 पर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 11 की बात करें तो भारतीय टीम के यॉर्कर किंग्स के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह हैं, जो आपको भारतीय टीम में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे नंबर 11 की। तो ये थी भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही प्लेयर हैं जो आपको खेलते हुए नजर आएंगे पहले मुकाबले में वर्ल्ड कप के। तो ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम का भी वर्ल्ड कप 2023 में यह पहला मुकाबला होगा, जो भारत के खिलाफ 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोस्तों यह मुकाबला चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा शाम के 2 बजे से, और इसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया टीम का फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अगेंस्ट इंडिया आपको खेलते हुए नजर आएंगे 8 तारीख को। तो दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान है पैट कमिंस। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनिंग प्लेयर की बात करें तो आपको डेविड वार्नर और मिचेल मास हैं, जो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ से। फर्स्ट डाउन की बात करें तो स्टीवन स्मिथ है, और 2 डाउन की बात करें तो मोर्तस लाबुसेन है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर नंबर 5 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम से। दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज आपको मार्कस स्टोइनिस खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 7 की बात करें तो एलेक्स कैरी हैं, जो आपको विकेटकीपर के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं, वो आपको नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम से। नंबर 8 की बात करें तो पैट कमिंस हैं, जो आपको ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन भी बॉलिंग करते हैं। यानी पैट कमिंस आपको नंबर 8 पर दिख जाएंगे बॉलिंग के साथ साथ। दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो मिचेल स्टार्क हैं, जो आपको नंबर 9 पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 की बात करें तो जॉस हेजलवुड है, जो आपको नंबर 10 पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। दोस्तों 11 की बात करें तो एडम जंपा है, जो आपको 11 पर स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे नंबर 11 पर। चलिए कि फाइनल प्लेइंग 11 जो आपको भारत के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे, यानी 8 अक्टूबर का जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला खेला जाएगा, ये दोनों टीमें आमने सामने होगी, यही प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती हैं पहले मैच में। दोस्तों हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।